Okay, hello everyone. I welcome you on this platform and in today's particular video, ठीक है हम लोग क्या करने वाले हैं synonyms, antonyms का आप लोग जैसा जानते हो कि हम लोग synonyms and antonyms का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है और आज हम लोग डे 4 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है डे 3 तक कवर कर लिया गया और हम लोग वर्ड किस चीज से अल्फाबेटिकली लेटर ए से स्टार्ट किया गया, ठीक है तो आज फिर हम लोग के पास 3 वर्ड्स है इस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है तो फर्स्ट वर्ड वी हैव एनल, ठीक है एनल क्या होता है ANL, एनल, ठीक है तो इस वर्ड को आपको देखकर पहले समझना चाहिए कि ये वर्ड अपने आप में क्या है एक वर्ब है, ठीक है अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा एनल एनल्ड एनल्ड, एक चीज आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एक कॉन्सनेंट साउंड है उसके जस्ट पहले एक वॉल साउंड लिखा हुआ, ठीक है तो उसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डबल एल करके ईडी ऐड मतलब कॉन्सोनेंट को डबल करके उसमें ईडी ऐड कर दोगे, ठीक है और ये वर्ब में भी कौन सा वर्ब है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब आप लोग समझे जिसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाए सेम हो जाए, तो एनल का मतलब होता क्या है अब इस चीज को समझते हैं, इसका सिंपल में नहीं बोले तो किसी चीज को रद्द कर देना किसी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है जैसे बाय द वे क्या हुआ कि इलेक्शन हो बिहार में बाय द वे हमारा विधानसभा का इलेक्शन होता है और उसमें चीटिंग की जाती है, ठीक है तो ऐसा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन को ऐसा पता चल जाता है कि बिहार के इलेक्शन में वो चीटिंग किया गया है, ठीक है कैसे भी कोई भी रीजन एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना तो जो इलेक्शन का रिजल्ट था उसको क्या कर दिया गया कैंसिल कर दिया गया, क्या कर दिया गया एनल, ठीक है तो सेंटेंस क्या बनेगा द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वॉज एनल्ड कैंसिल कर दिया गया किसके द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है अब बाय द वे क्या हुआ कि कोई कॉम्पिटेटिव बाय द वे मान लेते हैं सीजीएल का एग्जाम होता, ठीक है कमांड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, अब क्या होता है कि उसमें भी क्या घपलेबाजी जो भी आप बोलते हो क्वेश्चन पेपर हॉट कर दिया गया या सेटिंग का काम होता है वो सारा चीज, ठीक है तो बोर्ड को ये चीज पता चल गया कि ऐसा ऐसा काम हो गया तो एग्जाम का रिजल्ट को भी क्या कर दिया जाएगा एनल, तो एनल आप लोग समझ गए कोर्ट ने अपने डिसीजन को भी एनल कर दिया, तो एनल बेसिकली देखने का मतलब क्या है कैंसिल करने के सेंस में टर्मिनेट कर देना, समझ रहे हो ठीक है तो इसको आप क्या लिख सकते हो सिनोनिम्स कैंसिल और क्या बोल सकते हो टर्मिनेट, ठीक है ना और अगर देखा जाए वर्ड तो आप एक बोला जा सकते हैं नलीफाई, क्या बोला जाएगा नलीफाई भी आप लोग देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा वॉइड, ठीक है ना और एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन्स भी कैंसिल कैंसिल करना होता है रिस्काइंड, ठीक है ये सब जितना भी वर्ड लिखा गया सबका मतलब क्या होता है कैंसिल करने के सेंस में, ठीक है ना बट किस चीज बस सबका कॉनोटेशन का फर्क है यूसेज का फर्क है किस सेंस में यूज किया गया है, ठीक है तो मीनिंग क्या लिखा गया कैंसिल आप लोग सिंपल वर्ड समझते हो टर्मिनेट नलीफाई वॉइड एब्रोगेट एंड रिस्काइंड, ऐसे आप लोग एक वर्ड जानते हो टर्मिनल है ना सुने भी होंगे टर्मिनल राजेंद्र नगर टर्मिनल सुने हो ना तो उसका नाम टर्मिनल क्यों है टर्मिनल के नाम होने के पीछे भी उसका वजह है तो टर्मिनल का मतलब होता है किसी चीज का एंडिंग पॉइंट, ठीक है ना एक लास्ट पोजीशन को हम लोग बोलते हैं तो टर्मिनल जानते हो यहाँ पे सारी जो हमारी ट्रेन्स होती है वहां पे लगकर वहां साफ सफाई किया जाता है इस वजह से उसका नाम रख दिया गया टर्मिनल, ठीक है ना जो एंडिंग पॉइंट बेसिकली मानकर चलते हैं, ओके तो आप लोग एनल को समझ गए क्या क्या कैंसिल किया जाएगा एग्जाम रिजल्ट इलेक्शन का रिजल्ट या कोई भी डिसीजन को कैंसिल किया गया दैट इज एनल, नेक्स्ट वर्ड वी हैव आर्डुअस, ठीक है तो एक आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था फर्स्ट क्लास में कि अगर वर्ड के लास्ट में ओयूएस लगा हुआ है तो वो अपने आप में 101% क्या होगा एक एडजेक्टिव होगा, क्या होगा एक एडजेक्टिव, ठीक है अब आर्डुअस के मीनिंग को समझते हैं तो आर्डुअस अगर एक एडजेक्टिव है तो ये एकदम जाहिर सी बात है कि ये किसी ना किसी नाउन के पहले यूज होगा, तो आर्डुअस किस सेंस में यूज होता है आर्डुअस एक जर्नी के सेंस में बेसिकली, जैसे आप बस से जर्नी करोगे बिहार शरीफ से आप बाय द वे कोलकाता जाओगे पटना से कोलकाता जाओगे, ठीक है ना एक लॉन्ग जर्नी आप ट्रेवल करते हो बाय बस तो आप बहुत ज्यादा थक जाते हो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग फील करते हो बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो दैट जर्नी इज कॉल्ड आर्डुअस जर्नी, वो जर्नी आपकी कैसी है आर्डुअस है बहुत ही ज्यादा टायरिंग है बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग है आपको थका देने वाली जर्नी है वो दैट इज कॉल्ड आर्डुअस जर्नी, ठीक है तो आप इसका सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हो टायरिंग जो आपको क्या कर दे बहुत ही ज्यादा थका दे एग्जॉस्टिंग, ठीक है एग्जॉस्टिंग स्टडी भी हो सकती है बाय द वे क्या होता है कि
ठीक है, कोई टीचर जो क्लास लेते हैं 3 आवर्स तक लगातार लेक्चर एकदम, ठीक है, और स्टूडेंट्स लोग लगातार 3 घंटे तक पढ़ता रहे, तो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिंग स्टडी, एग्जॉस्टिव स्टडी है वो, आप बिल्कुल थक जाओगे 3 आवर्स तक लगातार रेगुलर पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। तो आप सेंस समझ रहे हो कि किस सेंस में यूज होगा, ठीक है। और अगर इसके लिए कोई वर्ड देखना चाहे, ठीक है, तो आप बोल सकते हो, ठीक है, और डिफिकल्ट ऐसे कोई चलेगा नहीं, ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिफिकल्ट बोलने का मतलब वही सेंस आ रहा है, ठीक है। और जैसे जर्नी बहुत ज्यादा है, यू नो लॉन्ग है, बस से आप ट्रेवल कर रहे हो, तो उसको क्या, उसको सबको हैंडल कर पाना सबके लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, और खासकर गर्ल्स लोगों को, ठीक है, बस से ट्रेवल करना। एक वर्ड एक हम लोग पढ़ रहे थे, तो कौन सा वर्ड पढ़े थे, मोशन सिकनेस, क्या पढ़ाया गया था, मोशन सिकनेस, ठीक है ना। मोशन सिकनेस बोलने का मतलब क्या होता है, जब बस के ट्रैवलिंग के दौरान वोमिटिंग का जो सिचुएशन होता है, वोमिटिंग होना, ठीक है, तो वोमिटिंग देखने को किसमें ज्यादा मिलता है, गर्ल्स के में, गर्ल्स में, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए जो बस से ट्रैवलिंग लॉन्ग जर्नी का जो ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा आर्डुअस होता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग होता है। ओके, तो आप लोग आर्डुअस का मीनिंग समझ गए। लास्ट वर्ड वी हैव एपीज। ओके, तो एपीज मीन्स क्या होता है, पहले आप एक आपको लॉजिक बताया गया था कि वर्ड के लास्ट में अगर ई लगा हुआ होगा तो वो एक वर्ब होगा, इसका एक रेगुलर वर्ब एपीज, एपीज्ड, एपीज्ड, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना दोगे, ये भी हमारा रेगुलर वर्ब था, एनल, एनल्ड, एनल्ड, उसी तरीके से एपीज, एपीज्ड, एपीज्ड, ये भी एक रेगुलर वर्ब है। अब एपीज का मतलब होता क्या है, इसमें एक वर्ड थोड़ा सा पीस का सेंस आ रहा है, पीस, पीस, पीस का मतलब आप लोग जानते हो ना, शांति। तो एपीज एक वर्ब है, क्या करवाना, किसी को शांत करवाना। तो शांत आप किस चीज में करवाओगे, एक बच्चा रो रहा है खिलौने, खिलौना लेने के लिए, ठीक है, टॉयज लेने के लिए वो बच्चा रो रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, टॉयज खरीदेंगे बच्चे को एपीज करने के लिए, क्या करने के लिए, एपीज करने के लिए। कोई ज्यादा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मूड में है, बहुत ज्यादा गुस्से के मूड में, बहुत ज्यादा वायलेंट वेलिकोज है, ठीक है, कोई बंदा मारने पीटने पे आ गया, तो उसको भी क्या करवाया जाएगा, एपीज करवाया जाएगा। तो एपीज आप समझ गए, शांत करवाने के सेंस में। अब शांत किसी भी सिचुएशन में, एक बच्चा रो रहा है या कोई गुस्से में है, उसको भी शांत करवाया जाएगा, ठीक है। तो एपीज के लिए आप सिनोनिम लिखोगे तो क्या लिखोगे, मॉलीफाई, क्या लिखा जाएगा, मॉलीफाई, और क्या लिख सकते हो, पेसीफाई, ठीक है ना। और आप देखा सकते हो तो कौन सा वर्ड लिखा जा सकता है, कॉन्सिलिएट, ठीक है, कौन सा वर्ड, कॉन्सिलिएट, और क्या लिखा जा सकता है, प्लेसेट, और क्या लिखा जा सकता है, विन ओवर, ठीक है ना। और बेसिकली कोई देख लिया जाए, और बेसिकली कोई है नहीं, ठीक है। तो एक तरफ शांत करवाएंगे तो दूसरी तरफ क्या किया जाएगा, प्रोवोक, क्या किया जाएगा, प्रोवोक, उसको भड़काया जाएगा, इंस्टिगेट, ठीक है ना, प्रोवोक, इंस्टिगेट किया जाएगा उसको, ठीक है। इसे लिख सकते हो इजी, ठीक है ना, प्लीजेंट लिख सकते हो, इस टाइप से चल जाएगा बोर्ड, ठीक है ना, ऐसे देख लिया जाए, ठीक है, याद उतना, ठीक है। अच्छा, और इसमें आप वर्ड लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्ड है एक, ठीक है, आर्डुअस में, मोनोटोनस जर्नी, कैसी जर्नी, मोनोटोनस, या आप इसको बोल सकते हो डल, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, क्या है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग, मोनोटोनस, डल, और इधर क्या हो जाएगा, इजी, प्लीजिंग, एक्साइटिंग जर्नी, ठीक है, इस टाइप से यूज होगा, ठीक है। जैसा आप लोगों को बोल दिया गया था ना कि अगर आपसे एक वर्ड लिख दिया जाए, बोल दिया जाए कि आप इसका लगातार सिनोनिम, सिनोनिम्स बोलते जाओ, तो क्या जितना भी वर्ड लिखा गया आप लगातार बोलते चले जाओगे, पॉसिबल नहीं, बहुत कम लोग ही कर पाएंगे, ठीक है ना। देख लो, हमें भी कहीं कहीं पे बीच बीच में देखना पड़ता है वर्ड को, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितना 10 वर्ड लिखा गया तो 10 वर्ड आप लगातार बोल सकते हो, माइंड से बहुत सारी चीजें निकल जाती है, लेकिन होगा क्या, आपको एक बार जब आपके नजरों के सामने से बेसिकली आप इस वर्ड से गो थ्रू कर जाओगे, ठीक है, तो आप कहीं भी कोई भी नॉवल पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो आपके सामने अगर ये वर्ड आता है ना, तो आप उस मीनिंग को समझ सकते हो, ठीक है ना। आपको ये चीज माइंड में आएगा, यार ये वर्ड तो कहीं हम देखे हैं, और कहीं ना कहीं सेंस तैयार कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी बोला गया कि कोई भी वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता नहीं, कि आप उसको रट कर बैठ जाओगे तो हर एक जगह पे वो अप्लाई होगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। वर्ड का मीनिंग उसके यूसेज पे, उसके कॉनोटेशन पे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, ये भी चीज समझे थे हम लोग। ओके, तो इसके लिए अगर लिखा जाए तो रीस्टोर हम बोल सकते हैं, ठीक है, एंटोनिम। देखो, ये भी बताया गया था कि सिनोनिम्स तो बहुत सारा तैयार हो जाता है वर्ड का, लेकिन उसका एंटोनिम्स बहुत ही कम ही तैयार हो पाता है ना। तो ये 3 वर्ड आपके पास था, एग्जांपल से भी समझा गया कि लॉन्ग जर्नी इज ऑलवेज आर्डुअस,
एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत ही ज्यादा टायरिंग होता है. पेरेंट्स ऑलवेज बाई ट्वाइस टू अपीज द चिल्ड्रेन. ठीक है, अपीज बच्चों को शांत करवाने के लिए. ओके, तो एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए. एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, एनल, एनल एक वर्ब. एनल, एनल, एनल सिनोनिम क्या हो गया? कैंसिल, टर्मिनेट, नलीफाई, वॉइड, एब्रोगेट एंड रिस्काइंड. सबका मतलब क्या होगा? किसी चीज को कैंसिल करना. ठीक है, और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? रिस्टोर. ठीक है, या इनैक्ट. कौन सा वर्ड? इनैक्ट. ठीक है, आप उसको क्लीन हैंड रिटन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख जाएगा, आप उसको देखकर अपना नोट्स बनाते चल सकते हो. ठीक है, उसका नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? आर्डुअस. तो आर्डुअस हम लोग समझे, ओयूएस लगा हुआ है वर्ड में, तो वो क्या है? एक एडजेक्टिव है. तो जो चीज आर्डुअस होता है वो क्या होता है? टायरिंग होता है, एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मोनोटोनस होता है, डल होता है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है. बोरिंग जर्नी, मोनोटोनस, आर्डुअस, डल, इस टाइप से वर्ड समझ गए. ठीक है, अपोजिट में लिखा जाए तो इजी, प्लीजेंट, एक्साइटिंग. सिनोनिम्स के एग्जांपल से लॉन्ग जर्नी. ठीक है ना, आपकी स्टडी जैसे एग्जांपल से बताया गया, स्टडी भी आपकी एग्जॉस्टिंग हो सकती है, आर्डुअस हो सकती है. लास्ट वर्ड भी है अपीज. अपीज, अपीज, अपीज एक रेगुलर वर्ब है, शांत करवाना किसी को. मॉलिफाई, पेसिफाई, कॉन्सिलिएट, प्लेसेज, बीन ओवर. ठीक है, और दूसरी तरफ, एक तरफ शांत करवाएंगे तो अपोजिट में प्रोवोक, इंस्टिगेट करना, उसको भड़का देना और गुस्सा दिलाना. ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो आपको बेसिकली ये तीन वर्ड समझ में आ गया होगा. आप नोट्स बना सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन से. ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और तीन चार वर्ड को डिस्कस करेंगे इसी टाइप से. आपको देखो, थ्री वर्ड्स तो देखने में लग रहा है, बट आप देख सकते हो कि कितने वर्ड का लिस्ट बन गया है. ठीक है, 20 वर्ड्स चला जाता है बेसिकली डेली. डेली आप देखोगे तो अप्रॉक्स 20 वर्ड्स के आसपास चला जाता है. ठीक है, तीन वर्ड तो सिर्फ नाम के लिए हेडिंग में लिया गया, उसका जब सिनोनिम्स लिखते हो तो वो तो 20 के आसपास चला गया. तो वन डे में आप 20 वर्ड्स भी कंप्लीट करते हो, वो भी बहुत है ना. ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. टेक केयर.